हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी अंडे आलू की सब्ज़ी। इसके लिए सबसे पहले मसाले लेते हैं, लहसुन अदरक लेते हैं, थोड़ा ज़ीरा लेते हैं, थोड़ा खड़ी धनिया लेते हैं। इन सबको मिक्सचर में डाल के हम बारीक पीस लेते हैं और आलू और अंडे को कुकर में डाल के हम 2 सीटी इसमें लगा देते हैं और आलू और अंडे को हम अच्छे से छील लेते हैं। इसमें 1/2 चम्मच हम नमक डालते हैं, इसमें 2 सीटी हम लगा देते हैं। इससे हमारा आलू और अंडे जल्दी गल जाएंगे, टूटेंगे भी नहीं। प्याज हमने कट कर लिया है, आलू हमने छील लिया, अंडों को भी हमने छील लिया। अब तेल में इसको फ्राई कर लेते हैं। अंडे को तेल में हमने फ्राई कर लिया, अब बचे हुए तेल में आलू को भी डाल के फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। हमने आलू को थोड़े मोटे मोटे काटे हैं, 1 आलू 4 कट कर लिए हैं। अब इसको हम तेल में फ्राई कर लेते हैं अच्छे से और एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। अब इसे हम प्याज को फ्राई करते हैं। आलू और अंडे फ्राई हो गए हैं, अब हम प्याज को फ्राई करते हैं अच्छे से। इसमें तेल ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब मसालों को ऐड कर लेते हैं। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च डाला है और 1/2 चम्मच हमने नमक डाला है। नमक और मिर्च स्वाद अनुसार कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हमने इसमें 1/2 चम्मच गर्म मसाला डाला है। इन सबको अच्छे से हम भून लेते हैं सारे मसालों को। मसाले हमारे अच्छे से एकदम भुन गए। इसमें आलू को हम ऐड कर लेते हैं। इसमें हम 1/2 कप पानी डालते हैं, इसको अच्छे से हम भूनने देते हैं। अब हम 2 कप पानी डाले, अंडे को भी हमने डाल दिया है। इन सबको हम 5 मिनट पका लिए। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सब्जी बनी है हमारी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय दोस्तों।